पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ, हाँ, वो आपको मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि भाइयों बहनों आप लोगों ने खुद सुना कि अगर आपका जनधन खाता है तो आपको आपके जनधन खाते में केंद्र सरकार रुपए देगी। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को उनके जनधन खाते में रुपए मिलना चालू हो चुका है। और अगर आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, आपके परिवार को जनधन योजना के अंतर्गत प्रति महीना 1500 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों, भारत सरकार की जनधन योजना के अंतर्गत जैसे हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पैसा मिलना चालू हो चुका है, अगर आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है और आप एक निःशुल्क आवेदन कर देते हैं, आपके परिवार को प्रति महीना 1500 रुपए की धनराशि किस जनधन योजना के अंतर्गत मिलेगी, आपको कैसे आवेदन करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने के लिए आपको किस टोल फ्री नंबर, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस 2 से 4 मिनट के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर किसी एक आम आदमी से पूछा जाए कि आपको प्रति महीना 1500 रुपये दिया जाएगा तो वो ये कहेगा कि ये बहुत मामूली सी रकम है। लेकिन आपको बता दें, इसी पैसे से हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं वो अपने घर का लालन पोषण कर रहे हैं। आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनधन योजना के अंतर्गत हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधे उनके जनधन खाते में पैसा मिलता है। और अगर आप लोगों को भी प्रति महीना आपके जनधन खाते में 1500 रुपये चाहिए तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लें। इसीलिए भाई बहनों, अब आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए इस जनधन योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए, चलिए वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपका किसी सरकारी बैंक में जनधन खाता होना चाहिए, मतलब अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है, जनधन खाता खुलवा लें, वो निःशुल्क खुलता है। दूसरा, आपका जनधन खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक होना चाहिए। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाना है, आपको अपने जनधन खाते को आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक कराना होगा। तीसरा, आपको बता दें कि अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब आप आवेदन नहीं कर सकते। और चौथा, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ एक निःशुल्क आवेदन कर दीजिए और आपको प्रति महीना 1500 रुपये की धनराशि मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तब आप इस योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही होगा भाई बहनों, छठ पूजा चालू हो चुकी है। इसी पावन पर्व पर हमारा चैनल प्रतियोगिता करा रहा है, जिसमें 5 लोगों को चुना और 5 एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाएगा। आप लोग अगर ये मोबाइल जीतना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे, आपका नाम ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर पर आ जाएगा और आप में से 5 लोगों को हम चुनेंगे और 5 एंड्रॉइड मोबाइल इसी हफ्ते आपके घर भी पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को उनके जनधन खाते में सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए की धनराशि मिलती है। उसी तरीके से जो लोग रेहड़ी पटरी लगाना चाहते हैं, अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, मोदी सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू की गई है। इसी तरीके से अगर आप लोग अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं, आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने चालू कर दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये वो योजना है जिसके अंतर्गत अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी उम्र जैसे ही 60 साल पहुंचती है, आपको एक निर्धारित पेंशन मिलना चालू हो जाती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको प्रति महीना 50 रुपये से 250 रुपये देना होता है जैसे ही आप स्कीम लेते हैं। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचती है, आपको एक निर्धारित पेंशन मिलना चालू हो जाती है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। तो भाइयों बहनों, भारत सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चालू की थी उसकी हमने सारी जानकारी आपको दे दी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कम्युनिटी में चले जाएं, कम्युनिटी में सब कुछ पोस्ट पड़ा हुआ है। और इसी तरीके की हर सरकारी योजना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब